आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश की एक बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में संपन्न की गई। बैठक की अध्यक्षता रूप सिंह भारती एवं संचालन वंश बहादुर ने किया। बैठक में होने वाले प्रांतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। बैठक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह ने बताया कि कमेटी का प्रांतीय सम्मेलन बहुत जल्दी आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को तन मन धन से सहयोग करके 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाले 42वें प्रांतीय सम्मेलन को सफल बनाना है। प्रांतीय अध्यक्ष रूप सिंह भारती ने कहा कि वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छी व निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम में किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु 1 किलोमीटर की अवधि को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रांतीय सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और किस प्रकार से संगठन को मजबूत स्थिति में लाया जाए उस पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वीर सिंह, वंश बहादुर, रूप सिंह भारती, बीआर सागर, आरपी सिंह, सत्यपाल सिंह, सचिन कुमार, विवेक कुमार, गौतम राजपाल सिंह, डॉक्टर कैलाश, अनिल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जी मेरा नाम रूप सिंह भारती है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी का प्रांतीय अध्यक्ष। मेरे साथ मेरे सम्मानित साथी आज की बैठक में पूर्व अध्यक्ष माननीय वीर सिंह जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदरणीय वंश बहादुर जी, साथ में बैठे हुए आदरणीय बी आर सागर जी, आरपी सिंह आर्य जी और अन्य हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। सभी का सबसे पहले आज की इस बैठक में मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी क्योंकि पहले से ही प्रांतीय सम्मेलन करती रही है, तो अब चूंकि इस बार भी हमारे इस बात के लिए है कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी क्योंकि पहले से ही प्रांतीय सम्मेलन करती रही है, तो अब चूंकि इस बार भी हमारा 43वां प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इस संबंध में हम लोगों को आज की बैठक में ये रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि किस कार्यक्रम को इस लेवल पर लेके जाएं कि इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश के जो बुद्धिजीवी, समाज सेवी और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आए और उस मुरादाबाद की धरती पर आकर मुरादाबाद की जनता को एक संदेश दे के जाएँ। मेमोरियल कमेटी के माध्यम से एक प्रयास कि वो ऐसे विचार प्रयास उनके के विचार हमारे क्षेत्रीय लोगों के लोगों को कि देश में क्षेत्र में प्रदेश के तरीके से अग्रति आए और लोग हकूक को जाने संविधान व्यवस्थाओं को और ध्यान में दिए गए अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम राइट्स दिए हैं उनके में जाने और माज भी हुई उनतियों को इन्हीं जो कुकुर के लिए प्राण में ले जाना है उसके भ्रंश के और बुद्धिजीवी के लोग आमंत्रित है। और एक पूर्ण बिंदु है जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अव्यवस्थित है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक करिकुलम नहीं है, पाठ्यक्रम एक नहीं है पूरे देश में। जब हमारा देश में एक संविधान है तो एक पाठ्य होना चाहिए। एक पाठ्यक्रम ना होने की वजह से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। बच्चा गरीब बन अमीर बन, गरीब का बच्चा विधान क्योंकि केंद्र में एक बहुत अच्छा बनाया अच्छा का अधिकार उसमें एक सवारी जो भी गरीब बच्चा हो उन गरीबों को उनके जो भी चाहे बड़ी स्कूल हो हर स्कूल लेकिन शर्त जो महत्व जो ज्यादा कानून है वो ये है कि बच्चा इन जो स्कूल है उनमें एडमिशन वो ले सकते 1 किलोमीटर के दायरे में आता होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी अन्य और जो संगठन है उन संगठनों के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि जो 1 किलोमीटर की बाध्यता है इसको हटाया जाए ताकि गरीब का बच्चा चाहे वो किसी भी देश की किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने का हो किसी भी विद्यालय में लेना हो तो वो ऐसे प्रवेश ले सके। ऐसे ही कुछ सामाजिक मुद्दों पर हम आपसे